Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Vision IAS current affair of October 2020. Before starting this lecture, there are few announcements that within few days we are going to upload Vision IAS mains 365. Okay, mains 365 जो होता है Vision IAS का वो हम अपलोड करने वाले हैं. ठीक है, अभी mains 365 का बहुत ही ज़्यादा एक रोल होता है हर एक के प्रिपरेशन में. बिकॉज जितने भी टॉपर्स के अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो उन्होंने हमेशा ही मेंस 365 का जो है जिक्र किया होगा. क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको पूरा जो एक साल का जो है ये होता है, ठीक है, पूरा एक साल का जो कंपाइलेशन होता है, कंप्लीट वन ईयर की जो है समरी मिल जाती है. ठीक है, तो आपको एक साल में क्या क्या न्यू चेंजेस आए, ठीक है, उसका पूरा एक ओवरव्यू इसमें मिल जाता है. अलॉन्ग विद दिस मेंस 365 जो है काफ़ी ज़्यादा टॉपर्स थ्रू रेफर की हुई है. ठीक है, सो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी रहेगा. ठीक है, उसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट ऐसा है कि जो मेंस 365 है, ठीक है, तो ये जो होने वाला है मैं मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में ही अपलोड कर दूंगी कुछ लेक्चर्स इसके. तो आप जो है हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट करके ये सब देख लेना. ठीक है, एंड रिगार्डिंग द सेकंड अनाउंसमेंट इज दैट जो करंट अफेयर था, ठीक है, जो करंट अफेयर था नवे सितंबर मंथ का, ठीक है, सितंबर मंथ का विजन का, वो कम्प्लीटली अपलोड हो गया है. ठीक है, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ठीक है, तो आप वो प्लेलिस्ट जाके चेक करना. हमारे जितना पोर्शंस रहता है, ठीक है, विजन आइस के कंपाइलेशन में, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिस्कस हो गया है. ठीक है, तो आप सितंबर मंथ का देख सकते हो. ठीक है, और अभी हमारा जो है अक्टूबर मंथ का वैसे ही डिस्कस करने वाले. इसके पहले हमारा जो है पॉलिटी और गवर्नेंस का जो कम्प्लीट सेक्शन है उसका हो गया था कवर. ठीक है, पॉलिटी और गवर्नेंस का सेक्शन हमने कवर कर दिया था. ठीक है, जहाँ पे कम्प्लीटली जितने न्यूज़ यहाँ पे मेंशन 8 न्यूज़ जो थे हमने कवर कर दिए. एंड जो आज का डिस्कशन रहेगा, ठीक है, वो कम्प्लीटली इंटरनेशनल रिलेशन पे रहेगा. ठीक है, और जो ये पॉलिटी और गवर्नेंस की जो थी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी जो लिंक है मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके रेफर कर सकते हो. एंड रिगार्डिंग टुडेज डिस्कशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटरनेशनल रिलेशन एंड देयर आर 6 टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर. एंटायर इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, अक्टूबर मंथ का कवर हो जाएगा. ठीक है, वहाँ पे 6 न्यूज़ थे. सबसे पहला है इंडिया और सेंट्रल एशिया के डायलॉग्स के बारे में हम जानेंगे. उसके बाद इंडिया और जो क्वाड ग्रुपिंग है उनके बारे में जानेंगे. देन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसर्च राइट काउंसिल के बारे में जानेंगे. एंड देन इंडियन यूएस डिफेंस एग्रीमेंट एंड अर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, इस तरीके से हमारा 6 जो न्यूज़ है वो कम्प्लीटली डिस्कस हो जाएंगे. एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन. एंड इफ़ यू आर न्यू इन अवर चैनल देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर द न्यू अपडेट. एंड लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन. एंड द न्यूज़ इज़ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग. तो रिसेंटली क्या हुआ है, सेकेंड मीटिंग हेल्ड हुई है ऑफ अ सेंट्रल एंड सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में डायलॉग्स हुए हैं. एंड दिस टाइम ड्यू टू कोविड-19 जो डायलॉग्स हुए हैं दे वेयर इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस. एंड जो जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, दे वेयर द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेकिस्तान एंड उर्गबेगिस्तान एंड काइजर रिपब्लिक. ठीक है, इस तरीके से ये जो 5 नेशंस है, ठीक है, इनके बीच में जो है डायलॉग्स हुई थी. ठीक है, एंड रिगार्डिंग अभी ये इंडिया और सेंट्रल एशिया डायलॉग्स क्या होते हैं उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो डायलॉग्स है मोस्टली इंडिया यूज टू होल्ड दिस डायलॉग विद द 5 सेंट्रल एशियन नेशन. ठीक है, जो 5 सेंट्रल एशियन नेशन है मैंने जैसे अभी नाम बताए इन सबके. ठीक है, अभी 5 नेशन कौन से हैं, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उर्गमेगिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड किर्गिश रिपब्लिक. ठीक है, इस तरीके से 5 नेशंस के बीच में डायलॉग्स होते हैं. एंड ऑल द कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द डायलॉग एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान. ठीक है, ये इस बार डायलॉग नहीं उन्होंने शामिल मतलब पार्टिसिपेट किया. ठीक है, आर ऑल्सो द मेम्बर ऑफ अ शंघाई कॉपरेशन. सॉरी, ये जो है, ठीक है, ये बाकी जो नेशंस है ना, ठीक है, जो मैंने नाम लिए, ठीक है, इंडिया के साथ साथ, तो वो सभी जो है शंघाई कॉपरेशन के जो है SCO के मेम्बर्स है. बस जो तुर्कमेकिस्तान है वो मेम्बर नहीं है. ठीक है, एंड रिगार्डिंग नेक्स्ट कुछ बातें जो है इंडियन सेंट्रल डायलॉग्स के बारे में. ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, ठीक है, इस डायलॉग्स की, तो वो January 2019 में हुई थी. समर उसका नाम था समरखंड,
ठीक है, यहाँ पे हुई थी डायलॉग्स एंड जो भी मीटिंग हुई थी, अफगानिस्तान जो है अटेंड द फर्स्ट एंड द सेकेंड मीटिंग एज अ स्पेशल इन्विटी, ठीक है, अफगानिस्तान जो थे स्पेशल इन्विटी के तरह से जो है उन्होंने दोनों मीटिंग को अटेंड किया था, ठीक है। अब ये डायलॉग किस तरीके से मतलब क्यों किए जाते हैं, तो डायलॉग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ में, ठीक है, कॉपरेशन इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट फ्रंट्स में, जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल स्पीयर। इस तरीके से जो है सबके जो कॉपरेशन है प्रॉपर स्ट्रेंथन करना, उसके साथ साथ इन सारे कंट्रीज़ में साथ में आके जो है एक एक्सचेंजिंग ऑफ व्यू टेक प्लेस ऑन द रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज और अ म्यूचुअल इंटरेस्ट, एंड दस वी कैन से दैट दिस डायलॉग आर मेनली हेल्प टू इन्हांस द कॉपरेशन अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ अ UN एंड अदर मल्टीलैटरल फोरा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया इंडिया एंड जो सेंट्रल एशिया के बीच में डायलॉग्स जो होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इस बार जो सेकंड मीटिंग हुई है उसके हाइलाइट्स क्या क्या थे, देर आर फ्यू हाइलाइट्स, दैट इज़ फर्स्ट इम्पसाइज ऑन द नीड टू कंटिन्यू अ क्लोज कॉपरेशन अगेंस्ट द COVID-19 पैंडेमिक, ठीक है। COVID-19 पैंडेमिक के वजह से जितने भी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, सारे कंट्रीज़ को फेस करने पड़ रहे हैं, तो जस्ट ड्यू टू दिस एक क्लोज कॉपरेशन जो है उसको इनहांस करना अगेंस्ट द COVID-19 पैंडेमिक। एंड नेक्स्ट वन इज अ कंडेमेशन ऑफ अ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड अ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। ऑल द स्टेट रिफर्म द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर कंट्रीज टू कॉम्बैक द मिनेस बाय डिस्ट्रॉइंग द टेररिस्ट सेफ हेवन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ फंडिंग चैनल, ठीक है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो सेफ हेवन होता है, ठीक है, मतलब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेफ हेवन होता है, मतलब जो बहुत अच्छे से वहाँ पे उनको जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उस टाइप के नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग चैनल जो होती है, ठीक है, विच आर यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है, टेररिस्ट अटैक, उनको सबको जो है जो उसको कमबैक करना, ठीक है। इस फ्रंट पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ था इस बार के मीटिंग में। उसके साथ साथ एक्सटेंशन ऑफ अ सपोर्ट फॉर यूनाइटेड सॉवरीन एंड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन अ अफगानिस्तान रीजन, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अफगानिस्तान जो था, दोनों मीटिंग जो हुई थी, फर्स्ट मीटिंग और इस बार की जो सेकेंड मीटिंग हुई थी, एक एज अ स्पेशल इन्विटी थे। तो जो हम जानते हैं अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो पीस प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू दिस एक जो है सभी नेशन का एक कॉमन डिस्कशन हुआ था कि इस बार जो अफगानिस्तान में टू सपोर्ट द अफगानिस्तान फॉर यूनाइट सॉवरीन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ओके। एंड अफगानिस्तान की जो पीस प्रोसेस हो रही है उसके बारे में जो है आज के डिस्कशन में ही कवर हो जाएगा, ठीक है, एक टॉपिक ही उस पर है। सो मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, जैसे यहाँ पे और एक मैप दी है, ठीक है, जस्ट लुक कहाँ कौन सा पार्ट आता है कहाँ पे, ठीक है, गो थ्रू द मैप, ठीक है, कौन सी कंट्री इंडिया से एकदम जो है बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया का पार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान, बाकी जो नेशंस है, ठीक है, जैसे कोई भी मैप, ठीक है, मैप बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है या कोई भी सिटी जब मेंशन होती है न्यूज़ में, तो उसको डायरेक्ट जाके आप जो है मैप आपका जो एटलास होगा वहाँ पे जरूर जाके चेक करना, ठीक है। एंड क्योंकि क्या होता है, क्योंकि मोस्टली मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो है UPSC में आते ही रहते हैं, सो जो भी प्लेस होती है न्यूज़ में उसको जाके डायरेक्टली आप अपने एटलास में ज़रूर चेक करना, ठीक है। आई यूज़ टू रेफर द ओरियन ब्लैक स्वैन एटलास, सो आपको जो आप यूज़ करते हो आपके लिए जो ठीक रहेगा वो भी कोई भी एटलास जो है वो यूज़ कर लेना, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इंडियाज इंटरेस्ट इन अ सेंट्रल एशिया, ठीक है, अभी इंडिया जो डायलॉग हेल्ड कर रही है सेंट्रल एशिया के रीजन के साथ, तो ऑब्वियसली देर मे बी सम इंटरेस्ट, ठीक है, जिसके वजह से जो डायलॉग हेल्ड कर रही है, तो सबसे पहला एक जो मेन ये है, ठीक है, पॉइंट है, इंडिया का इंटरेस्ट है, वो है मिनरल रिसोर्सेज के फ्रंट पे, दैट इज़ जो सेंट्रल एशियन कंट्री है ना, वहाँ पे अबंडेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज है, जैसे कि हो गया पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कोल, ठीक है, इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा जो है मिनरल्स वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, विच विल हेल्प टू इन्हांस और विच विल हेल्प टू सिक्योर इंश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी फॉर इंडिया, एंड दस वी कैन से दैट इन द मिनरल रिसोर्सेज फ्रंट, ठीक है, इंडिया का एक इंटरेस्ट है वहाँ पे, इसलिए जो है इंडिया शुड मेंटेन अ क्लोज रिलेशन विद द सेंट्रल एशिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथनिंग द इंडियाज रोल इन अ पीस निगोसिएशन ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, जैसे हम जानते हैं इंडिया का हमेशा ही एक रहा है, ठीक है, इंडिया इज ऑलवेज एडवोकेट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ
अफगान कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, अफगान में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसको हमेशा ही रिजोल्व करने के लिए जो है इंडिया का सपोर्ट रहा है, ठीक है, ऑन वेरियस जो प्रिंसिपल्स है, ठीक है, जैसे अफगान ओन, अफगान लीन एंड अफगान कंट्रोल पीस प्रोसेस, ठीक है, इसका हमेशा ही जो सपोर्ट है इंडिया का रहा है, ठीक है। दस एक ये फ्रंट हो गया, एंड सेकेंड वन, थर्ड वन क्या है, कनेक्टिविटी, ठीक है। कनेक्टिविटी फ्रंट में अगर देखा जाए तो सेंट्रल एशिया जो है इट लाइज इन द मिडल ऑफ अ यूरेशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, जो यूरोप और एशिया के कॉन्टिनेंट की यहाँ पे जो है, ठीक है, जिसको हम यूरेशियन बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो लाइक करता है एंड कैन हेल्प द इंडिया टू अचीव अ प्रॉपर कनेक्टिविटी टू द यूरोप, ठीक है, एज दिस पार्ट लाइक इन द मिडल, सो इंडिया की जो अगर कनेक्टिविटी, ठीक है, इंडिया का अगर रिलेशन सेंट्रल एशिया के रीजन के साथ अच्छा रहा तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प देम टू अचीव अ प्रॉपर कनेक्टिविटी टू द यूरोप, एंड द रीजन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू डेवलप अ ट्रांजिट एंड अ ट्रांसपोर्ट पोटेंशियल थ्रू द रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सच एज द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। इस तरीके से एक कॉरिडोर को इस्टेब्लिश करने में भी जो है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ये रीज़न जो है इम्पॉर्टेंट है। दस कनेक्टिविटी इशू जो कनेक्टिविटी फ्रंट पे भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंट्रल एशिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए तो सेंट्रल एशिया जो है इट इज़ अ ह्यूज कंज्यूमर मार्केट, ठीक है, फॉर द रेंज ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द इंडिया, ठीक है, जैसे कि आईटी सर्विसेज हो गया, टूरिज्म हो गया, टी हो गया या फार्मास्यूटिकल, ठीक है। सो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के रिस्पेक्ट में भी जो है इंडिया का एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है सेंट्रल एशिया के रीजन में है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरिंग द रीजनल पीस स्टेबिलिटी, ठीक है। इंस्टेबिलिटी इन द रीजन कैन हैव अ वाइड रेंज इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया ड्यू टू द रीजनल प्रॉक्सिमिटी एंड द इफेक्ट ऑन द इंडियाज ओवरसी प्रोजेक्ट सच एज द तापी पाइपलाइन, द एथिकल सॉरी द क्रिटिकल इशूज फेस्ड बाय द रीजन इंक्लूड, ठीक है। अभी जो है एक इकोनॉमिक अगर किसी भी टाइप की जो अगर इंस्टेबिलिटी किसी भी रीजन में हुई तो उसकी जो इम्प्लीकेशन है, ठीक है, कहीं ना कहीं इंडिया को भी इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी किस टाइप के क्रिटिकल इशूज़ अगर देखे जाए तो वो है टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, ठीक है, जो भी नेशंस है, ठीक है, विच आर सपोर्टिंग टू दैट विच आर एक्ट्स एज अ सेफ हेवन फॉर द टेररिस्ट, ठीक है, उन सबका अगर एक चैनल हो गया, ठीक है, उसका एक नेटवर्क हो गया तो वो एक मेजर क्रिटिकल इशू है। सेकेंड इज थ्रेट फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ अ वेपन्स एंड अ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर किसी भी टाइप का एक अगर हाईली एक बोल सकते किसी भी एज अ रीजन रिमेन हाईली वल्नरेबल टू द स्मगलिंग ऑफ अ फिशियल मटेरियल फॉर अ वेपन एंड अ मास डिस्क्रप्शन, एंड नेक्स्ट वन इज इलीगल ड्रग ट्रेड, ठीक है। एंड ये जो होता है मोस्टली ओपियम जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मोस्टली ये जो है गोल्डन क्रेसेंट करके बोलते हैं अफगान पाकिस्तान और ईरान को रीजन में, ठीक है। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ है, ये सारी जो इंस्टेबिलिटी अराइज करती है रीजन में, ये सारे जो फैक्टर्स है हमने जो ये तीनों डिस्कस किए, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसमें अगर ये फैक्टर्स को ज़्यादा अगर प्रमोशन मिला, ठीक है, तो इंडिया कहीं ना कहीं जो है इन सबको जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हुए ये सारे फ्रंट्स पे जो है हैंडल अगर करेगी तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट इन सब के वजह से इंडिया पे हो सकता है, ठीक है, वहाँ से वो इंडिया बच सकती है, ठीक है। दस ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है, प्रॉपर कोऑपरेशन जो है सेंट्रल एशियन रीजन के साथ होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सो वी हैड कवर द टॉपिक दैट इंडिया का इंटरेस्ट किस तरीके से सेंट्रल एशियन रीजन में है, ठीक है। अभी इंटरेस्ट तो देख लिया पर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चैलेंजेस हो गए, ठीक है, तो इंडिया को फेस करने पड़ेंगे, ठीक है, ड्यू टू अचीव अ प्रॉपर कोऑपरेशन विद द सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो सबसे पहला एक जो है चैलेंज है इंडिया के सामने तो वो है कि ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ अ चाइना इन द सेंट्रल एशियन रीजन, ठीक है। तो चाइना का जो एक प्रोजेक्ट है दैट इज़ वन बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, इट सीम टू बी अ क्रेडिबल थ्रेट हो सकता है इंडिया के ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। इंडिया का जैसा ऑब्जेक्टिव है कि एक प्रॉपर कनेक्टिविटी इशूज जो है, ठीक है, विद द सेंट्रल एशिया रीजन उसको स्ट्रेंथन करना है, पर जो चाइना का एक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, ठीक है, अगर उसको ज़्यादा जो है, ठीक है, वो अभी जो चल रहा है, ठीक है, अगर उसको ज़्यादा प्रॉस्पर हो गया, ठीक है, ज़्यादा डेवलप्ड हो गया तो वो कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो एक पॉइंट है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं लैक हो सकता है बिकॉज इट द चाइनाज इन्फ्लुएंस विल इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड चैलेंज क्या है, लैक ऑफ एसेसिबिलिटी, ठीक है, दैट इज इंडिया जो है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट एक फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट जो है बॉर्डर का वो नहीं आता है सेंट्रल एशियन रीजन के साथ, एंड जो अनस्टेबल सिचुएशन है अफगानिस्तान की, ठीक है, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन अ यू एस ईरान टेंशन
सॉरी जो एक अनस्टेबल सिचुएशन है अफगानिस्तान में, उसके साथ साथ इम्पैक्ट ऑफ यूएस ईरान टेंशन जो है ऑन रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड द इंडियाज जो एक क्रिटिकल रिलेशन जो है पाकिस्तान के साथ, फर्दर जो है इट विल लीड टू अ कॉम्प्लिकेटेड कनेक्टिविटी एंड अ ट्रांसपोर्ट और जो ट्रेड है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, डोमेस्टिक चैलेंजेस फेस बाय द रीजन। ठीक है, इमर्जिंग फ्रॉम अ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ऑथोरिटेरियन रेजिम, टेररिज्म, ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा, इट हैज़ इट सेल्फ अ चैलेंज फॉर फर्दर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डोमेस्टिक चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा जो होती है, ठीक है, राइट फ्रॉम द टेररिज्म फील्ड और राइट फ्रॉम द रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, दिस आर ऑल्सो द चैलेंज विच कैन इफेक्ट द इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं वो हमने कवर कर लिए। ठीक है, अभी चैलेंजेस तो है पर ऑब्वियसली चैलेंजेस को फेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन लाया ही होगा इंडिया ने। तो यहाँ पे कुछ इस बॉक्स में जो सोल्यूशन दिए हैं, तो सबसे पहला सोल्यूशन ऐसा है या सबसे पहला जो एफर्ट जो है इंडिया ने इनहांस करने के लिए एंगेजमेंट विद द साउथ सॉरी सेंट्रल एशिया, वो सबसे पहला जो एक है दैट इज प्रोविजन ऑफ अ यूएस $1 बिलियन लाइन ऑफ अ क्रेडिट बाय इंडिया फॉर प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द फील्ड सच एज द कनेक्टिविटी, एनर्जी, IT, हेल्थ केयर एक्सेट्रा इन द सेंट्रल एशिया रीजन। ठीक है, तो ये एक मेजर हो गया प्रोजेक्ट $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। एंड सेकेंड वन जो है वो है कि टू फैसिलिट द ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड बिटवीन इंडिया एंड अ सेंट्रल एशिया वाया ईरान के थ्रू। ठीक है, इंडिया ने एक जो है इंडिया हैज़ एक्सेड द कस्टम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ अ गुड ओवर द TRI कारनेट इन 2017। ठीक है, एंड जो है उसमें फर्दर जो है उसको हम आशबक्त जो है एग्रीमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो भी एक साइन किया था। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा एक इनिशिएटिव है इंडिया थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट के अंडर क्या होता है, इंडिया प्रोवाइड करता है एक ग्रांट असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट और फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इस फ्रंट पे सेकंड नेक्स्ट वन इज़ इंडिया सेंट्रल एशियन बिजनेस काउंसिल। ठीक है, इसका भी एक एस्टैब्लिशमेंट जो है इंडिया थ्रू किया गया है, लॉन्च हुआ था February 2020 को, और ये कंपराइज करता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है 2020 में जो इस्टेब्लिश किया हुआ काउंसिल है। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मेजर्स जो है इंडिया थ्रू लिए है टू इंक्रीज द एंगेजमेंट विद द सेंट्रल एशियन रीजन। ठीक है, और कुछ मेजर्स यहाँ पे मेंशन है, दैट इज़ होस्टिंग ऑफ अ सेंट्रल एशियन मीडिया डेलीगेशन जो अप्रैल में हुआ था 2019 में, ट्रेनिंग ऑफ अ सेंट्रल एशियन डिप्लोमेट। ठीक है, सेंट्रल एशियन डिप्लोमेट्स के भी ट्रेनिंग जो है एट अ सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा है। ठीक है, उनको उनके जो सेंट्रल एशियन के डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग जो किया प्रोवाइड किया गया है इंडिया के थ्रू। ठीक है, तो वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट इज एनुअल इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल, जहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है सेंट्रल एशिया के रीजन में। ठीक है, वो ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च थ्रू 2019 दिसंबर में ऑर्गेनाइज हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट वन इज इंडियन गवर्नमेंट इन 2019 एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट जो है इंडिया ने एक्सटेंड की थी $ अगर देखा जाए $200 मिलियन फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट इन किर्गिस्तान। ठीक है, इस रीजन के लिए। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो एंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए इंडिया ने एफर्ट्स लिए हैं। उसके साथ साथ और एक एंगेजमेंट और एक पॉइंट मेंशन है कि दैट इज इंडिया ने साइन किया है यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट विद उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसके साथ उन्होंने साइन किया है। ठीक है, ये हो गए कुछ मेथड्स जो इंडिया ने कुछ एफर्ट्स लिए जो है टू इनहांस द एंगेजमेंट विद द सेंट्रल एशिया। ठीक है, अभी हमने ये जो चैलेंजेस यहाँ पे देखे थे वहाँ पे उसके एक वे फॉरवर्ड दिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए हैं हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है कि इंडिया शुड लिवरेज द हिस्टोरिकल कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल बॉन्ड एज वेल एज अ ट्रेडिशनल क्लोज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है बिल्ड करना चाहिए विद द सेंट्रल एशियन पार्टनरशिप। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारा इंडिया, ठीक है, ICABC दैट इज इंडियन सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है, उसको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, विच कैन हेल्प टू प्रमोट द बिजनेस लिंकेज फैसिलिटीज, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन टैक्सेशन, बिजनेस रेगुलेशन इन इंडस्ट्रीज एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, दो थ्रू सेंट्रल एशियन जो डायलॉग्स है, ठीक है, इंडिया के पास हैज एक अपॉर्चुनिटी है टू एक्टिवली एंगेजिंग इन द इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, ड्यू टू बाई
डिफरेंट एक्टिविटीज सच एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी ट्रांसमिट एंड अ ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. उसके साथ साथ इंडिया शुड ऑल्सो इफेक्टिवली यूज जो चाबार फोर्ट का एक प्रोजेक्ट है ठीक है इंडिया और ईरान के बीच में ठीक है उसको प्रॉपरली यूज कर सकती है एंड दे कैन इस्टेब्लिश अ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन विद द सेंट्रल एशियन मार्केट. ठीक है इस तरीके से कुछ वे फॉरवर्ड ऑथर थ्रू यहाँ पे मैंशन किए गए हैं. ठीक है मूविंग टूवर्ड द कंक्लूजन. ठीक है जैसे हम जानते हैं कि इंडिया एंड सेंट्रल एशिया फेस अ मरमेड ऑफ अ कॉमन चैलेंजेस लाइक अ टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म ड्रग ट्रैफिकिंग एंड सच अदर इशूज. ठीक है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में कुछ कॉमन चैलेंजेस है. ठीक है ऑल दिस कमोडिटीज मेक द नेचुरल पाइथन इन देअर डेवलपमेंट जर्नी एंड कॉल फॉर द ग्रेटर कॉपरेशन इन द रीजन एंड द ग्लोबल एरिया. ठीक है इन सब के जो एक कॉमन जो है चैलेंजेस ठीक है तो इस वजह से एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन के साथ जो है वो सब मिलके दे कैन टुगेदर लीड टू वर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द जर्नी और डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर नेशन. दस वी कैन से दैट एक प्रॉपर कॉपरेशन जो है होना चाहिए. ठीक है इन दिस वे वी कंक्लूड द पार्ट दैट इज द इंडियन सेंट्रल एशियन डायलॉग. ठीक है हमने कवर कर लिया हाईलाइट ऑफ द मीटिंग. सेकेंड मीटिंग हुई थी इंडिया एंड सेंट्रल डायलॉग क्या होते हैं उसके साथ साथ इंडिया के लिए जो सेंट्रल एशियन रीजन जो है क्यों इंपॉर्टेंट है डिफरेंट फ्रंट्स हमने कवर कर लिए. उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है पर क्यों काफ़ी सारे चैलेंजेस भी जो है इंडिया के सामने हैं. ठीक है एंड इंडिया का कुछ एफर्ट्स जो है लिए गए हैं इंडिया थ्रू टू प्रॉपर इन्हांस द एंगेजमेंट बिटवीन द सेंट्रल एशिया. देन वी हैड ऑल्सो लर्न अबाउट द वे फॉरवर्ड एंड द कंक्लूजन पोर्शन. इन दिस वे वी conclude the first news. Moving toward the next news that is India and the God. ठीक है तो recently क्या हुआ है foreign ministry of a quadrilateral grouping meet हुई थी टोक्यो में. तो अभी क्वाड क्या होता है उसके बारे में अगर देखा जाए तो क्वाड की जो है क्वाड फॉर्म हुआ था 2007 में. ठीक है आफ्टर फोर कंट्रीज ठीक है वहाँ पे फोर कंट्रीज है कम टुगेदर दैट इज कौन से कंट्रीज वहाँ पे इंक्लूडेड है दैट इज US इंडिया जापान एंड ऑस्ट्रिया. ठीक है US इंडिया जापान एंड ऑस्ट्रिया चार ग्रुपिंग है. ठीक है इसलिए क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग बोला जाता है. ठीक है हाउएवर इट डज नॉट टेक ऑफ इनिशियली फॉर द नंबर ऑफ अ रीज़न. ठीक है काफ़ी ज़्यादा रीज़न हुए थे इसके वजह से जो है काफ़ी जो है डिस्कशन नहीं हुए है. ठीक है बट इट वॉज रिवाइव्ड इन 2017. ठीक है 2017 वो रिवाइव हुआ था ऑलमोस्ट अ डीके आफ्टर ड्यू टू द रीजन सच एज ग्रोइंग कन्वर्जन अमॉन्ग द कंट्री इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड राइजिंग थ्रेड परसेप्शन वाइस चाइना अमॉन्ग अदर. ठीक है तो साथ में ही उसका एक ग्रुपिंग तो फॉर्म हुई थी पर काफ़ी टाइम से जो है ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन एक प्रॉपर डिस्कशन जो है नहीं हुआ था. ठीक है इसलिए 2017 में हो जो है क्वाड ग्रुपिंग इट वाज रिवाइज आफ्टर अ डिकेड एंड ये इसका रिवाइवल जो है इट वाज रिवाइव्ड ड्यू टू वेरियस रीजन जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जो है इन कंट्रीज के बीच में जो है एक देयर वॉज गोइंग अ कन्वर्जन अमॉन्ग दिस कंट्री अलॉन्ग विद दिस देयर वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंस और वेरी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट. ठीक है जो अराइज हो रहा था दैट इज़ इंडो स्पेसिफिक रीजन एंड जो एक थ्रेट अराइज हो रहा था दैट इज़ चाइना का इन्फ्लुएंस. ठीक है इन सारे पॉइंट के वजह से जो है इन सारे कंट्रीज़ का जो है एक ग्रुपिंग जो है फर्दर 2017 में एकदम स्ट्रांग होती गई. ठीक है 2017 से स्ट्रांग होती गई एंड सिम इट इज़ इमर्ज एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ अ पार्टिसिपेंट कंट्री हु मीट रेगुलरली एट द वर्किंग एंड अ मिनिस्ट्रियल लेवल टू डिस्कस द म्यूचुअल इंटरेस्ट सच एज टू इंश्योर द फ्री ओपन एंड अ इंक्लूसिव इंडो स्पेसिफिक एंड अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर. ठीक है तो एक इंडो पैसिफिक रीजन ये फ्रंट पे ठीक है डिस्कशन होने के लिए टू इंश्योर अ फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड द रूल बेस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर. ठीक है एक मिनिस्ट्रियल लेवल पे उनकी जो है डिस्कशन होता रहता है. ठीक है मीटिंग होती रही थी. ठीक है ऑब्जेक्टिव देखा जाए ऑफ अ क्वाड रिमेन एडवांसिंग द सिक्योरिटी. ठीक है ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो एडवांस करना सिक्योरिटी को अलॉन्ग विद दिस इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज हैविंग अ लेजिटिमेट एंड अ वाइटल इंटरेस्ट. ठीक है चार कंट्रीज US इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया. सिग्निफिकेंस क्या है अभी क्वाड का तो सिग्निफिकेंस ऐसा है कि सबसे पहला सिग्निफिकेंस है दैट इज़ काउंटरिंग चाइना. ठीक है क्वाड प्लेटफॉर्म जो है ठीक है क्वाड प्रोवाइड सच अ प्लेटफॉर्म टू इंडिया टू सीक अ कॉपरेशन विद द सच कंट्री दैट इज़ लाइक माइंडेड कंट्री एंड टू इंश्योर द रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द सोवरेनिटी एंड अ पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट. ठीक है एक हो गया ये पॉइंट हो गया. ठीक है इट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट अ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ अ चेक
बिलिग्रेंट एक्टिविटीज़ ऑफ अ चाइना अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। तो एक हो गया सिग्निफिकेंस काउंटर चाइना पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिशियल टाइम चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट रिलेशन जो है चाइना और इंडिया के बीच में, ठीक है। दस ये चाइना टू काउंटर द चाइना, दिस इज़ मेजर एक जो ग्रुपिंग है इनकी, तो वो एक बहुत पॉजिटिव रह सकती है, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ अ क्वाड। नेक्स्ट इज अ फ्रेमिंग पोस्ट COVID-19 इंटरनेशनल ऑर्डर्स, ठीक है। पैंडेमिक के वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रांसफॉर्मेशन आया है ग्लोबली, जो एक हमारी ग्लोबल सप्लाई चेंज होती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, उसके साथ साथ ओवरऑल जो इकोनॉमी होती है डिफरेंट कंट्रीज़ की, ठीक है, वो इम्पैक्ट हुई है, ठीक है। तो एक क्वाड जो है, ठीक है, वो इंडिया को किसी तरीके से बहुत ज़्यादा एक हेल्प प्रोवाइड कर सकता है टू रिकवर फ्रॉम द पैंडेमिक एंड टू कोऑर्डिनेट अ रिस्पॉन्स सच एज की एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो एक प्रॉपर बैलेंस लाने के लिए यूजफुल रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ अदर्स इशू, ठीक है। इंडिया हैज़ कन्वर्जिंग इंटरेस्ट विथ अदर क्वाड मेंबर्स, ठीक है। इंडिया का एक जो इंटरेस्ट है डिफरेंट क्वाड मेंबर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। वेराइटी ऑफ इशू हो गया, जैसे कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके साथ साथ सिक्योरिटी, ठीक है, इंक्लूडिंग काउंटर टेररिज्म, साइबर एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी, रिफॉर्म एंड यूनिलैटरल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इंडिया का एक जो इंटरेस्ट है इन सारे कंट्रीज़ के साथ भी है, ठीक है। तो सपोर्ट करना क्वाड को, ठीक है, इट विल हेल्प टू इंडिया टू इनहांस द रिलेशनशिप एंड टू डेवलप अ स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक गोल। नेक्स्ट इज अ सप्लीमेंटिंग इंडिया डिफेंस कैपेबिलिटी, ठीक है। इन सब कंट्रीज़ के साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने पे क्या होगा, ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन द फील्ड ऑफ अ डिफेंस अमॉन्ग द क्वाड मेंबर थ्रू अ जॉइंट पेट्रोल, एक्सचेंजिंग ऑफ अ स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा, दिस विल हेल्प टू इन्हांस द जो कैपेबिलिटीज़ है, जो भी मिलिट्रियल और न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है, नेवल कैपेसिटी हो गई या बाकी फाइनेंशियल जो सपोर्ट हो गया, ठीक है, इन सारी जो है कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए इंडिया को ही बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। एक सप्लीमेंट्री जो है मेजर्स जो है सप्लीमेंट्री इंडियाज़ डिफेंस कैपेबिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फुलफिलिंग इंडिया इंडो स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। ऑल मेंबर ऑफ अ क्वाड जो है दे एट अ सम पॉइंट अफर्म दैट कमिटमेंट टू द इंश्योर अ फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, एक कॉमन रूल बेस्ड ऑर्डर वेयर ऑल कंट्रीज हैव इक्वल एक्सेस टू द कॉमन स्पेस ऑन द सी एंड इन द एयर, ठीक है। तो इंडो स्पेसिफिक रीजन, ऑब्वियसली इंडिया जो है जॉइंट है इंडो पैसिफिक रीजन से, ठीक है, तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। इस तरीके से जो सिग्निफिकेंस है क्वाड का, ठीक है, विद अ डिफरेंट फ्रंट वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं कि इंडिया का रिलेशन विद द क्वाड मेंबर किस तरीके से है, ठीक है। तो एक सबसे पहला है कि इंडिया यूज़ टू होल्ड 2+2 डायलॉग होती है, ठीक है, मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स होती है विद ऑल क्वाड मेंबर्स, ठीक है, 2+2 डायलॉग्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ रिसेंटली साइन किए हैं 4 एग्रीमेंट, कौन से एग्रीमेंट साइन किए हैं, दैट इज़ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, एंड नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड द सिक्योरिटी एग्रीमेंट, दैट इज़ कोमसासा, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी जो एग्रीमेंट है इंडिया थ्रू साइन किए हैं, ठीक है, फाउंडेशनल एग्रीमेंट अलॉन्ग विद दिस इंडियाज रूटीनली कंडक्ट बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है क्वाड मेंबर्स के साथ, ठीक है। दस वी कैन सी दैट इंडिया का एक काफ़ी जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा से जो है क्वाड के कंट्रीज के साथ मेंटेन किया है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड द भी देखें हमने कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्वाड, और इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है, ठीक है, टू मेंटेन अ प्रॉपर रिलेशन विद द क्वाड मेंबर्स। सो दस व्हाट आर द चैलेंजेस फर्दर दैट इंडिया हैज़ टू फेस। सो मूविंग टूवर्ड द चैलेंजेस, तो सबसे पहला चैलेंज है कि अनक्लियर एजेंडा, ठीक है। क्वाड जो है द क्वाड लैक अ कोहेरेंट पर्पस, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। एक प्रॉपर जो होता है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना, उसके साथ साथ एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना, वो कहीं ना कहीं क्वाड पे लैक करता है, ठीक है। दस द कंट्रीज हैव नॉट बीन इवन इशू अ जॉइंट स्टेटमेंट आफ्टर द मीटिंग ऑफ अ ग्रुप, रादर ऑफरिंग देयर ओन इंडिविजुअल रीड आउट। सो देर इज अनक्लियर एजेंडा, एक जो प्रॉब्लम है टू इम्प्लीमेंट द प्रॉपर डिस्कशन, ठीक है, जो हुआ है क्वाड के बीच में, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज अ चाइना इन्फ्लुएंस, ठीक है। चाइना जो है एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल टाई है विद द डिफरेंट क्वाड मेंबर्स, ठीक है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है चाइना का एक प्रॉपर इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाई है, ठीक है, विच कैन बी यूज टू कोरिस और इन्फ्लुएंस द नेशन इन द फेवर, एंड दस इट कैन वी कैन से दैट इट विल एक्ट प्रॉब्लमेटिक फॉर द इंडिया। सो इट इज अ मेजर चैलेंज फॉर
द इंडिया. नेक्स्ट वन इज अ डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड द बर्डन शेयरिंग. ठीक है, फोर मेंबर्स ऑफ अ क्वाड डू नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ अ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ठीक है, जैसे यूएस का काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस हो गया. ठीक है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है. ठीक है, तो दस उन सब रीजन के डिफरेंट डिफरेंट जो लेवल है, ठीक है, डिफरेंट कैपेबिलिटीज है, ठीक है, इन द इंडियन ओशन रीजन. दस देयर वी कैन से दैट दिस कैन क्रिएट एन इम्बैलेंस पार्टनरशिप और दिस कैन इवन फॉल अ बर्डन अनइक्वली. अनइक्वल बर्डन जो है फॉल कर सकता है डिफरेंट पार्टनर्स पे. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ एंटेगोनाइजिंग चाइना, दैट इज चाइना परसिवली कॉल्ड एज एंटी चाइना कोहिलेशन. दस इंडिया फेसेस अ रिस्क ऑफ अ फर्दर डिटोरिएटिंग इट रिलेशन विद अ चाइना एज इट प्रोसीड इंक्रीजिंग इन द एंगेजमेंट विद अ क्वाड. ठीक है, जैसे हम जानता है ये इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया का ये जो पार्ट हो गया, ठीक है, मैं इतने अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही, पर समझ जाना, ठीक है, इंडिया हो गया यहाँ पे. चाइना जो है इट यूज टू शेयर अ बॉर्डर विद चाइना. ठीक है, बाकी तो क्वाड ग्रुप जो है, ठीक है, उतना उनका ये नहीं है. ठीक है, तो इंडिया क्वाड की जो चाइना है, चाइना का ऐसा लग रहा है कि जो क्वाड ग्रुपिंग है दैट इज मोर टूवर्ड्स द एंटी चाइना. ठीक है, सो दस इंडिया का जो एंगेजमेंट है क्वाड के साथ अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो चाइना के साथ जितनी थोड़ी बहुत जो रिलेशन अच्छी रही है, ठीक है, वो भी डिटोरेट हो सकती है. ठीक है, सेकेंड ना लास्ट वन चैलेंज क्या है, डिफरेंस इन द प्रायोरिटीज. ठीक है, विद इन द इंडो पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया एंड द जापान प्रायोरिटीज लाई इन द पैसिफिक वाइल इंडियाज इज प्राइमरली फोकस इन द इंडियन ओशन. ठीक है, तो बाकी जो क्वाड ग्रुपिंग की हैं, ठीक है, उनका जो मेन फोकस है, ज़्यादा प्रायोरिटी जो है पैसिफिक ओशन के यहाँ पे है. ठीक है, और इंडिया का जो प्राइमरी फोकस है वो इंडियन ओशन के यहाँ पे. ठीक है, दस द डिफरेंस इन द प्रायोरिटी इज अ मेजर चैलेंज इन द क्वाड. ठीक है, दस वी कैन देर इज अ फाइनल कंक्लूजन इज दैट कि क्वाड ग्रुपिंग जो है शुड कोऑपरेट एंड बिल्ड अ पॉजिटिव एजेंडा दैट विल बिल्ड अराउंड अ कलेक्टिव एक्शन इन अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड अ डिजास्टर रिलीफ मॉनिटरिंग ऑफ अ शिप फॉर रिसर्च फॉर सर्च एंड रेस्क्यू फॉर अ एंटी पायरेसी ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टमेंट एंड द कनेक्टिविटी इनिशिएटिव. ठीक है, इस तरह के जो इनिशिएटिव है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव एजेंडा के फ्रंट पे, ठीक है, कलेक्टिव एक्शन जो है लेनी चाहिए क्वाड मेंबर्स के लिए को. एंड इसके साथ साथ दिस विल हेल्प दिस ग्रुपिंग विल हेल्प टू एड्रेस द एम्बिशंस जो है चाइना का. ठीक है, टू डेवलप उनका जो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क डेवलप करना है. ठीक है, स्टेप एज अ जो उनको डेवलप करना है, ठीक है, चाइना को जो इन्फ्लुएंस उनका डेवलप करना है इन इन डिफरेंट रीजन, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं जो है एड्रेस कर सकता है. ठीक है, ऑल्सो द कोऑपरेशन एंड द रीजनल पार्टनरशिप जैसे कि एशियन हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ ईस्ट अफ्रीका लिटरल नेशन, ठीक है, फ्रांस, यूके, स्पेसिफिक आइलैंड नेशन, ठीक है, इन सब के जो डिफरेंट टाइप ऑफ और उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ जो फोरम है, ठीक है, बिम्स्टेक हो गया, उसके साथ साथ जो डिफरेंट फोरम्स है, ठीक है, जैसे कि इंडियन ओशन जो है इंडियन ओशन कमीशन, इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, ठीक है, ये सारे जो है, ठीक है, कैन फर्दर स्ट्रेंथन द ग्लोबल पोजिशन ऑफ द क्वाड. इन दिस वे वी कैन से दैट कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो है नेशंस का कॉपरेशन जो है, ठीक है, मेंटेन कर सकता है. और जो ऑब्जेक्टिव है क्वाड का, ठीक है, इफ क्वाड जितने मेंबर्स हैं उन्होंने प्रॉपर इंश्योर किया तो एक पॉजिटिव जो है इफेक्ट आ सकता है. ठीक है, इन दिस वे जो हमारा सेकंड न्यूज़ था इंडिया और क्वाड वाला वो भी कवर कर लिया. मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट जो है फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में न्यूज़ है. ठीक है, ग्लोबल स्पीच जो है प्राइज 2020 अवार्ड किया था, अवार्डेड टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. ठीक है, किसके लिए उनको दिया था ग्लोबल पीस प्राइज, क्योंकि उनके एफर्ट्स थे टू कॉम्बैट द हंगर. ठीक है, हंगर को कॉम्बैट करने के लिए, बेटरिंग कंडीशन फॉर पीस इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द एरिया एंड प्रिवेंटिंग द हंगर एज अ वेपन ऑफ अ वॉर एंड द कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो हंगर एक वॉर और एक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, अराइज करने का एक ये ना हो, जरिया ना हो, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है, उसके साथ साथ जो हंगर को कॉम्बैट करने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने काफ़ी ज़्यादा मेजर्स लिए. ठीक है, इसकी वजह से जो है उनको नोबल पीस प्राइज 2020 जो है उनको दिया गया है. ठीक है, अभी नोबल पीस प्राइज क्या होता है, मार्च 1901, ठीक है, तब से जो है एनुअली इसको अवॉइड किया, मतलब उसको दिया जाता है. कुछ एक्सेप्शनल होंगे कुछ टाइम पे, ठीक है, कुछ साल नहीं दिया होगा, पर मोस्ट प्रोबेबली एनुअली उसको दिया जाता है. किसको दिया जाता है, टू दोज हु हैव डन मोस्ट ऑफ द वर्क
फॉर फैटर्निटी बिटवीन द नेशन, ठीक है, फैटर्निटी एक ब्रदरहुड जो है डिफरेंट नेशन के बीच में इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, उसके साथ साथ फॉर अबॉलिशन एंड रिडक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड स्टैंडिंग आर्मीज एंड फॉर द होल्डिंग अ प्रमोशन एंड द पीस कांग्रेसेस, ठीक है, उसके साथ साथ जो है रेसिप्टन इज सिलेक्टेड बाय द नॉर्वेजियन नोबल कमेटी, ठीक है, ये 5 मेंबर कमेटी है अपॉइंट की जाती है पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे, उनके थ्रू जो है इनको जो भी है जिसको भी अवार्ड है वो डिसाइड किया जाता है जिसको देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने नोबल पीस प्राइज़ के बारे में जान लिया, 1901 से जो है दिया जाता है, ठीक है। अभी इस जो और प्रोग्राम को दिया गया है, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं उनके क्या क्या अचीवमेंट है वो भी करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड UN प्राइमरी एजेंसी है, ठीक है, जिसका मेन जो गोल है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, ठीक है, जो है इरेडिकेटिंग हंगर, ठीक है, उसको अचीव करने का है बाय 2030। करंटली अगर देखा जाए वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी कॉम्बैटिंग हंगर, ठीक है, एक वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो है एजेंसी है फॉर अ कॉम्बैटिंग हंगर एंड दे यूज टू डिलीवर द फूड एंड असिस्टेंस, फूड असिस्टेंस जो है इमरजेंसी इन इमरजेंसी टाइम एंड वर्क विद द कम्युनिटी टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड अ बिल्ड अ रेजिलेंस, ठीक है। तो हेडक्वार्टर है वहाँ उनका रोम इटली में, ठीक है। एवरी ईयर जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है डिस्ट्रीब्यूट करता है मोर देन 15 बिलियन राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर उसका एवरेज कॉस्ट अगर देखा जाए पर राशन का तो है $0.61 एंड 2/3 ऑफ इट्स वर्क इज इन द कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्री, ठीक है, जहाँ पे फूड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है या मोस्टली जहाँ पे अंडर नरिश्ड कंट्रीज है, ठीक है, उन सारे कंट्रीज पे जो है उनका जो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। 2019 में अगर देखा जाए तो दे क्लोजली असिस्ट टू 100 मिलियन जो पीपल है इन 88 कंट्रीज हु वेर विक्टिम ऑफ अ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटीज एंड हंगर, ठीक है, उनको असिस्टेंस उन्होंने प्रोवाइड किया, ठीक है। 2019 में 100 बिलियन जो है एक बिग काउंट, ओके, वी कैन से दैट इट इज़ अ बिग काउंट एंड प्रोवाइडिंग द असिस्टेंस, ठीक है, टू देम, प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू देम इज़ अ मेजर, इज़ अ वन ऑफ द बिग अचीवमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये बताता है कि ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, एक मेजर की रोल प्ले करता है इन मल्टीलैटरल कोऑपरेशन टू कॉम्बैट द हंगर, टू कॉम्बैट द यूज ऑफ अ हंगर एज अ वेपन फॉर अ वॉर एंड अ कॉन्फ्लिक्ट एंड मेकिंग द फूड सिक्योरिटी एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ पीस। अलॉन्ग विद दिस, ये जो फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये दे यूज टू पब्लिश अ हंगर मैप, ठीक है, हंगर मैप दे यूज टू पब्लिश दैट डिसिपेट द प्रिविलेंस ऑफ अंडर नरिश इन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कंट्री एंड दिस दे यूज टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ अ ग्लोबल हंगर एंड टू इनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि लिंकेज बिटवीन हंगर एंड कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मैंने बोला कि हंगर कैस हंगर के वजह से जो है, ठीक है, इट शुड नॉट बी अ वेपन फॉर द वॉर और द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो हम अभी जानते हैं कि हंगर और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक क्या लिंक है, ठीक है, यहाँ पे जो बॉक्स मेंशन है वहाँ पे वो पॉइंट है, ठीक है, हम ये अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी क्या है कि नोबल अवार्ड रिकॉग्नाइज अ की कनेक्शन बिटवीन द हंगर एंड द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये जो नोबल अवार्ड है वहाँ उन्होंने की एक कनेक्शन दिखाया दिया है, ठीक है, उन्होंने बताया है देर इज की कनेक्शन बिटवीन हंगर एंड अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। किस तरीके से, एज पर द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल उन्होंने इम्पासाइज किया था, ठीक है, इन अ 2019 रिजोल्यूशन, ठीक है, ह्यूमन काइंड कैन नेवर एलिमिनेट हंगर विदाउट फर्स्ट एस्टैब्लिशिंग अ पीस, ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया था कि विदाउट एस्टैब्लिशिंग अ पीस जो एक हंगर है उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते एंड द कॉन्फ्लिक्ट कॉज अ रैम्पेड फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है एंड दिस इट लीड्स टू अ फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है, किस तरीके से इट डिस्टर्ब द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सोशल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, सोशल स्टेबिलिटी जो है उसको डिस्टर्ब करता है एंड दस इट विल मेक द हार्ड फॉर द सप्लायर टू द पीपल हु नीड देम, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस टू ऑफन वेयरिंग पार्टीज में डेलिब्रेटली यूज द स्टारवेशन एज अ स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो भी पार्टीज है जिसके भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दे कैन डेलिब्रेटली यूज स्टारवेशन एज अ स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, फूड इनसिक्योरिटी जो है आर परपेचुअली
perpetuates conflict and it drives the people from their home, land and the job, deepening the existing fault line and fueling the grievances. ठीक है, so जो conflict driven hunger है, it can be it has been widespread in a different part. ठीक है, कहाँ पे दिखाई दिया है ज़्यादा, अफगानिस्तान region में, उसके साथ साथ Central African Republic, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सुदान एंड यमन. ठीक है, इस तरीके से काफ़ी जो प्लेसेस है, ठीक है, काफ़ी जो कंट्रीज है वहाँ पे ड्यू टू हंगर, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बिन ड्रीवन एंड दस वी कैन से दैट देर इज अ क्लोज लिंकेज बिटवीन द हंगर एंड द कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, एंड मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और इंडिया, ठीक है, इनके बीच में क्या है, ठीक है, इंडिया थ्रू इंडिया की कंडीशन क्या है, यहाँ पे उन्होंने उनके बारे में अगर देखा जाए तो WEP, ठीक है, हैज़ बीन वर्किंग विद इंडिया सिंस 1963. ठीक है, 1963 से इंडिया के साथ वो वर्क कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन द रिफॉर्म ऑफ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, TPDS के साथ साथ उनका जो फोकस है, ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड अ पॉलिसी इंप्यूट एडवोकेसी एंड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर इम्प्रूविंग द फूड एक्सेस टू द पीपल एंड अलॉन्ग विद दिस इस प्रोग्राम थ्रू जो है इट हैज़ प्रपोज सम यूनिक इनिशिएटिव जैसे कि ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पर्सिंग मशीन अन्नापूर्ति एंड मोबाइल स्टोरेज यूनिट फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ TPDS. ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि PDS सिस्टम होती है, ठीक है, राशन दिया जाता है जो बैकवर्ड पीपल्स है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, उनका जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशिएटिव जो है उन्होंने प्रपोज किए हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम थ्रू. ठीक है, जैसे मैंने बताया है अन्नापूर्ति, ठीक है, ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पर्सिंग मशीन है, ठीक है, मोबाइल स्टोरेज यूनिट, ठीक है, फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस PDS सिस्टम, ठीक है, टारगेटेड जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको. उसके साथ साथ जो है उन्होंने दे हैव कम्प्लीटेड अ पायलट ऑन अ राइस फोर्टिफिकेशन यूज इन द गवर्नमेंट मिड डे मील स्कीम इन अ वाराणसी. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दिस ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक जो है उत्तर प्रदेश जो स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट रूलर लाइवलीहुड मिशन के यहाँ उनके साथ जो है एक MOU साइन किया था. ठीक है, इसके थ्रू क्या किया गया है, इट प्रोवाइड अ टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द सेटिंग अप अ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोडक्शन यूनिट. ठीक है, इस तरीके से जो WFP है, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसका एक प्रॉपर लिंकेज जो है इंडिया के साथ रहा है. ठीक है, उनका एक प्रॉपर असिस्टेंस जो है इंडिया को रहा है सिंस 1963. ठीक है, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में देखते हैं. ठीक है, तो पाकिस्तान जो है रिसेंटली इट हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल डिस्पिट देयर वेर वेरियस अपोजिशन फ्रॉम वेरियस एक्टिविस्ट ग्रुप. ठीक है, ओवर इट एम्बेसमल ह्यूमन राइट रिकॉर्ड, बट स्टिल जो है पाकिस्तान इट हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल. ठीक है, अभी ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जो है, ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल HRC हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे. ठीक है, अभी मैं बार बार ये पूरा नाम नहीं लूँगी, ठीक है, HRC ही बोलूँगी. सो जो है, ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2006 में. ठीक है, 2006 में उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. किसके थ्रू इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो हुआ था बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. ठीक है, उनका रिजोल्यूशन था 60/251 के इस रिजोल्यूशन के ऊपर वो हुआ था. ठीक है, इसकी प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, ठीक है, विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ ह्यूमन राइट अराउंड द ग्लोब. अलॉन्ग विद दिस दे ऑल्सो यूज टू एड्रेस एंड टेक द एक्शन इन ए ह्यूमन राइट वॉयलेशन अराउंड द ग्लोब. ठीक है, ह्यूमन राइट वॉयलेशन अगर कहीं पर दिखाई दिया देन दे यूज टू टेक द एक्शन एंड दे ऑल्सो वर्क फॉर द स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ अ ह्यूमन राइट अक्रॉस द ग्लोब. एंड जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, ठीक है, HRC जो है वो दे इट रिप्लेस द फॉर्मर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द ह्यूमन राइट. ठीक है, अभी जो काउंसिल है, ठीक है, काउंसिल जो है मेनली वहाँ पे 47 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द यूनाइटेड नेशन असेंबली बाय द सिंपल मेजोरिटी. ठीक है, सिंपल मेजोरिटी वोट थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं एंड वो सीक्रेट बैलेट पेपर थ्रू उनकी वोटिंग की जाती है. ठीक है, जो भी मेंबर्स होते हैं काउंसिल के दे इलेक्टेड फॉर द 3-year टर्म्स. ठीक है, 3 साल के टर्म के लिए वो इलेक्ट होते हैं विद 1/3 ऑफ अ मेंबर जो है बींग रिन्यूड एवरी ईयर. ठीक है, 1/3 जो मेंबर है वो
रिन्यू होते हैं हर साल, ठीक है। काउंसिल की मेंबरशिप अगर देखा जाए इज बेस्ड ऑन द इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सीट, ठीक है। तो इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीट्स का, ठीक है, जितने भी मेंबर्स है वहाँ पे। एंड जो रीजनल ब्रेकडाउन है, ठीक है, इट इज इन दिस वे, यहाँ पे मेंशन किया है कि 13 अफ्रीकन नेशन से 13 एशिया पैसिफिक स्टेट्स, 8 लैटिन अमेरिकन कैरेबियन स्टेट, 7 वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट एंड 6 ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट, ठीक है। इस तरीके से जो है ज्योग्राफिकल जो है इक्विटी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सीट्स का, ठीक है। ऑल यूएन मेंबर जो होता है दे आर एलिजिबल टू रन फॉर द सीट ऑफ अ यूनाइट ऑफ द काउंसिल एंड 117 कंट्रीज जो हैव बीन सर्विंग एज अ काउंसिल मेंबर सो फार एंड दस इट वी कैन से दैट ये एक रिफ्लेक्ट करता है जो यूएन की डाइवर्सिटी है एंड दिस गिव्स दिस is gaining its legitimacy when speaking about the human rights violation in all over the countries, ठीक है। अभी ये जो यूनाइटेड HRC है, ठीक है, दे यूज टू हेल्ड अ रेगुलर सेशन किया जाता है हर साल ऑफ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 वीक का सेशन किया जाता है, ठीक है, एटलीस्ट 10 वीक एंड दे यूज टू कॉल अ स्पेशल सेशन टू रिएक्ट द क्विकली एंड अर्जेंट जो है कंट्रीज एंड द जो वहाँ पे जो अर्जेंट कंडीशन है सिचुएशन है उसके बेसिस पे, ठीक है, मतलब वहाँ पे उसके उस पर जो है क्विकली एक्शन लेने के लिए जो है स्पेशल सेशन जो है कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। इट डिसीजन रिजोल्यूशन एंड द रिकमेंडेशन जो है आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है, वो डिसीजन जो है दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे और एक पॉइंट मेंशन है कि एज द सब्सिडियरीज ऑफ अ जनरल असेंबली इट रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द असेंबली 193 मेंबर्स एंड अलॉन्ग विद दिस इट रिसीव अ सब्सटेंटिव एंड द टेक्निकल सपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ अ हाई कमिश्नर जो है ऑन ह्यूमन राइट, इनका असिस्टेंस भी उसको मिलता है, ठीक है, एंड ऑफिस ऑफ ऑफिस जो है विद इन द यूएन सेक्रेटरी, ठीक है। अभी इस ऑफिस के बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो है ये मैंने वो जो बोला, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ अ हाई कमिश्नर ऑफ अ ह्यूमन राइट, ठीक है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो ये जो ऑफिस है, ठीक है, इसके बारे में अगर देखा जाए, इट इज़ अ ऑफिस, इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी, ठीक है, इट इज़ इसके उनके एक मैंडेट जो उनका वर्क है, ठीक है, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द एंजॉयमेंट एंड द फुल रियलाइजेशन बाय द पीपल ऑफ ऑल द राइट एस्टैब्लिशड बाय द चार्टर ऑफ अ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एंड इन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ एंड द ट्रीटीज, ठीक है। एक इट ऑल्सो मैंडेट्स इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, प्रिवेंटिंग द ह्यूमन राइट वायोलेशन को एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस इन सिक्योरिंग द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट, ठीक है, जितने भी ह्यूमन राइट है उसका प्रॉपर सिक्योर, ठीक है, रिस्पेक्टिंग ऑल द ह्यूमन राइट एंड अलॉन्ग विद दिस प्रमोटिंग द इंटरनेशनल कॉम्बिनेशन टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज टू ऑफ द यूनाइटेड नेशन, अलॉन्ग विद दिस दे ऑल्सो वर्क फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रीमलाइन द यूनाइटेड नेशनल सिस्टम इन द फील्ड ऑफ अ ह्यूमन राइट, ठीक है। जो ऑफिस है, ठीक है, ये जो ऑफिस है यूनाइटेड नेशन ऑफ अ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, ठीक है, दिस ऑफिस ऑल्सो लीड सम एफर्ट टू इंटीग्रेट द ह्यूमन राइट अप्रोच विद इन ऑल द वर्क विच आर कैरी थ्रू बाय द यूनाइटेड नेशन एजेंसी, ठीक है, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल किस तरीके से वर्क करता है, कितने बॉडीज होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट इतना बोल रही हूँ मैं, ठीक है, तो ये क्या होता है। तो ह्यूमन राइट अगर देखा जाए, दे ह्यूमन राइट आर द राइट विच हैव सिंपली बिकॉज वी एग्जिस्ट एज ए ह्यूमन बींग एंड दे आर नॉट ग्रांटेड बाई एनी ऑफ द स्टेट, ठीक है, दे आर द यूनिवर्सल राइट, ठीक है, विच आर इनहेरेंट टू ऑल, ठीक है, सबके लिए होते हैं रिगार्डलेस, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है, किसी नेशनलिटी का हो, विच सेक्स इट बिलोंग्स, विच नेशनल और इथनिक कलर, ओरिजिन रीजन, ठीक है, इन सब के जो है उस पर बेसिस नहीं करता है, ठीक है, सबके लिए होता है बिकॉज वी एग्जिस्ट एज ए ह्यूमन एंड दे आर नॉट गारंटेड बाय द स्टेट, ठीक है, ये एक डेफिनेशन होगी ह्यूमन राइट की, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस दे आर द रेंज फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल, ठीक है, जैसे कि राइट टू लाइफ, टू दोज हु हैव मेक द लाइफ वर्थ लिविंग सच एज द राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन हो गया, वर्क, हेल्थ एंड लिबर्टी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन है ऑन द ह्यूमन राइट, ठीक है, वो एडॉप्ट किया गया था यूएन जनरल असेंबली थ्रू 1948 में, ठीक है, एक ऐसा एक फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट था, ठीक है, जो सेटअप हुआ था फॉर द फंडामेंटल ह्यूमन राइट जो प्रोटेक्ट किए जाएंगे यूनिवर्सली, ठीक है। और ये जो ह्यूमन राइट है, ठीक है, डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट यूनिवर्सल ह्यूमन सॉरी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, टुगेदर विद द टू
कॉविनेंट, ठीक है, वहाँ पे दो है, ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल कॉविनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एंड सेकेंड वन इज इंटरनेशनल कॉविनेंट फॉर इकोनॉमिक एंड अ सोशल एंड अ कल्चरल राइट, ठीक है. एंड देयर आर की फीचर्स अगर देखा जाए ह्यूमन राइट के, तो सबसे पहला एक की फीचर है कि यूनिवर्सलिटी, ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन राइट इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ. इसका मीनिंग होता है, दिस मीन्स दैट देयर इज इक्वल एनलाइटमेंट टू अवर ह्यूमन राइट. नेक्स्ट इज इन एलियनेबल, ठीक है, दैट इज दे शुड नॉट बी टेकन एनी वे एक्सपेक्ट एक्सेप्ट अगर देखा जाए इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, ठीक है, अगर ड्यू टू द अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसेस, ठीक है, सिर्फ उसी केसेस में जो है इट कैन बी टेकन आउट, अदरवाइज दे शुड बी नॉट टेकन आउट, ठीक है. अगर किसी भी कोई भी पर्सन जो हो, ठीक है, इफ ही और शी इज फाउंड गिल्टी रिलेटेड टू द क्राइम, ठीक है, जो कोर्ट थ्रू अगर बताया गया है, तो उसी टाइम पे जो है उनके जो ह्यूमन राइट है वो ले सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन इज इन डिवाइसेबल एंड इंटरडिपेंडेंट, दैट इज दिस मीन्स दैट वन सेट ऑफ अ राइट कैन नॉट बी एन्जॉय फुल्ली विदाउट द अदर, ठीक है. तो सारे जो राइट्स जो है दे आर इंटर डिपेंडेंट, ठीक है, एक सेट ऑफ राइट हम दूसरे सेट ऑफ राइट अगर नहीं हो, ठीक है, तो वो हम प्रॉपरली एन्जॉय नहीं कर सकते, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स है दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी, ठीक है, मतलब जो प्रिंसिपल होता है सबको इक्वली मिलता है, ठीक है, किसी भी टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कलर, ओरिजिन, सेक्स, ठीक है, नेशन, जेंडर, ठीक है, इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबके लिए सेम है, ठीक है. ये दिस आर सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन राइट, ठीक है. अभी हम देखते हैं जो हमारी काउंसिल है, ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, ठीक है. सबसे पहला है कि एक्सेसिंग द ह्यूमन राइट रिकॉर्ड फॉर ऑल यूनाइटेड मेंबर स्टेट, ठीक है, एवरी 4.5 ईयर थ्रू द यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, ठीक है, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है हर जो है 4.5 ईयर में, ठीक है. अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, ठीक है, टू रिव्यू द ह्यूमन राइट वॉयलेशन इन द स्पेसिफिक कंट्रीज एंड एग्जामिन अ फर्दर ग्लोबल जो ह्यूमन राइट का इशू, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट जो है एक्सपर्ट जो है उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है. एंड नेक्स्ट वन इज एग्जामिन कंप्लेंट एंड विक्टिम ऑफ अ ह्यूमन राइट वॉयलेशन, ठीक है, एग्जामिन किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी विक्टिम होते हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट के जो भी वॉयलेशन हुआ है, अलॉन्ग विद दिस प्रमोट ह्यूमन राइट एजुकेशन एंड लर्निंग एज वेल एज एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस हो गया, उसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, इस तरीके से जो है प्रोवाइड किया जाता है कंसल्टेशन विद द मेंबर स्टेट. एंड इट ऑल्सो सर्व एज अ फोरम फॉर द डायलॉग ऑन अ थीमेटिक इशू ऑन द ह्यूमन राइट, एक ऐसा फोरम, ठीक है, जहाँ पे इट ऑल्सो सर्व एज अ फोरम, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट जो इशूज है, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं ऑन द ह्यूमन राइट. एंड इट ऑल्सो रिकमेंडेड टू द जनरल असेंबली, ठीक है, कि क्या क्या फर्दर डेवलपमेंट होने चाहिए इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ ए ह्यूमन राइट. अलॉन्ग विद दिस दे और एक उनका इंपॉर्टेंस ऐसा है कि दे ऑल्सो यूज टू प्रमोट द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय द स्टेट. ओके, इन दिस वे वी नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन राइट जो काउंसिल है, ठीक है, HRC के बारे में देख लिया, ठीक है. अभी इश्यूज देखते हैं इसके बारे में. तो सबसे पहला है कि मेंबरशिप क्राइटेरिया, ठीक है, कैंडिडेट कमिटेड टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट एंड द स्टेट शुड टेक इनटू द अकाउंट अ नॉमिनी ह्यूमन राइट रिकॉर्ड व्हेन वोटिंग, ठीक है. बोथ दिस रूल आर बेसली इन फोर्सेबल, ठीक है, किस तरीके से देर आर डिफरेंट व्यू ऑन द ह्यूमन राइट, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज हैज अ डिफरेंट व्यू, ठीक है. सो दस दिस कैन बी अराइज, ठीक है, काफ़ी सारे मेंबर्स जो है मेंबरशिप क्राइटेरिया है उनमें, ठीक है, तो दस दिस कैन अराइज वन ऑफ द इशू. मूविंग टू द नेक्स्ट इशू, दैट इज जियोग्राफिकल कोटा सिस्टम, ठीक है. मेनी टाइम ऐसा होता है कि कंट्रीज हैव रन अनअपोज आफ्टर द रीजनल ग्रुप नॉमिनेटेड द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कंट्रीज, ठीक है, एंड रिक्वायर टू फिल अ कंसिल वैकेंसी, ठीक है. बट मेनी एक्सपर्ट जो है, ठीक है, कंटेन दैट सम सर्कमस्टेंसेस लिमिटेड द चॉइसेस नंबर ऑफ चॉइसेस एंड दस इट गारंट द इलेक्शन एंड नॉमिनेटेड द मेंबर रिगार्डलेस टू द ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट इज द टेंटेड डेमोक्रेसी, ठीक है. मोस्ट ऑफ द मेंबर जो है जो इलेक्ट होते हैं इस काउंसिल में, ठीक है, दे हैव अ प्योर रिकॉर्ड इन द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट क्राइटेरिया, ठीक है, एंड दिस इज मेजर एक इशू है, ठीक है. सीक्रेट बैलो सिस्टम, ठीक है, सम काउंसिल ऑब्जर्वर जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया है कंसर्न दैट इज अ काउंसिल है, ठीक है, क्लोजली बैलेट इलेक्शन होते हैं इन द जनरल असेंबली, ठीक है, एंड इट मेक इट वेरी इजियर फॉर द कंट्री, ठीक है, विथ क्वेश्चनेबल ह्यूमन राइट रिकॉर्ड टू बी इलेक्टेड बाय द काउंसिल, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट इशू, दैट इज
पोलिटाइजेशन ऑफ HRC, ठीक है, एज ह्यूमन राइट काउंसिल इज द मेंबर ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर गवर्नमेंट, ह्यूमन राइट काउंसिल इज हाईली पॉलिटिसाइज बॉडी एंड दस दिस कैन एक्ट एज अ मेजर इशू. एंड नेक्स्ट इज इज़राइल एंड HRC, ठीक है. सम एक्सपर्ट ऐसे ऑब्जर्व किया है कि HRC जो है इज बायस अगेंस्ट इज़राइल, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बायस है इन द इज़राइल. एंड द मेन जो है, ठीक है, इट हैज एम टू डिसअप्रोप्रिएट द नंबर ऑफ अ रिजोल्यूशन अगेंस्ट द कंट्रीज, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा उनका जो बायस नेचर है वो भी एक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी रहा है, ठीक है. इस तरीके से जो इशूज है हमने कवर कर लिए, ठीक है. बट मूविंग टूवर्ड द कंक्लूजन, ठीक है, जो ह्यूमन राइट है आर being prescribed as an important pillar of a united nation, ठीक है. So more needed to be done to ensure the substantive outcome of the council are the catalyst for the changes, especially at the national level where most improvement for the human right protection must be needed. इस तरीके से हम जो है एक positive conclusion देते हैं, ठीक है. Moving towards the next point, वो है इंडिया यूएस डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है. जैसे हम जानते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है लैंडमार्क डिफेंस पैक्ट जो है साइंड हुए हैं, ठीक है. दैट इज़ अ बेसिक एक्सचेंज एंड द कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है. वो हुआ है साइन, कब हुआ है, ड्यूरिंग द थर्ड राउंड ऑफ अ 2+2 डायलॉग बिटवीन द यूएस एंड इंडिया मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ठीक है. उसके साथ साथ ये जो बेका है, ठीक है, मैं भी बेका बोलूँगी इसको, बेसिक एक्सचेंज एंड अ कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है. इसके बारे में अगर देखा जाए, इज फाइनलाइज बाय द फोर फाउंडेशनल एग्रीमेंट, ठीक है. ये फाइनलाइज हुआ है बाय द फोर फाउंडेशन एग्रीमेंट दैट आर साइन बाय द यूएस एंड द यूएस विद द क्लोज पार्टनर, ठीक है. ये फाउंडेशन एग्रीमेंट के बारे में अगर देखा जाए, दे आर मीन टू बिल्ड अ बेसिक ग्राउंड वर्क, ठीक है, बेसिक ग्राउंड वर्क and to promote interoperability between the military and by creating a common standards and the system, ठीक है. अभी हम कौन से foundational agreement से उसके बारे में अगर देखा जाए, तो सबसे पहला agreement है, ठीक है, बेसिक एक्सचेंज एंड अ कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर अ जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है. तो ये बेका जो है, दिस विल अलाउ इंडिया एंड यूएस मिलिट्री कि वो शेयर करे जियो स्पेशल एंड अ जियो सैटेलाइट जो है डाटा, ठीक है, विथ ईच अदर, ठीक है. ये शेयर करेंगे मैप्स, चार्ट, कमर्शियल एंड अदर अनक्लासिफाइड इमेज अलॉन्ग विथ दिस जियोडेटिक जियोफिजिकल जियो मैग्नेटिक एंड ग्रेविटी डाटा रिलेटेड प्रोडक्ट पब्लिकेशन एंड मटेरियल इन प्रिंटेड और अ डिजिटल फॉर्मेट एंड म्यूचुअल टेक्निकल असिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है. ये सारा जो है वो दे यू विल शेयर, ठीक है. अलॉन्ग विथ दिस इट विल ऑल्सो अलाउड इंडिया टू यूज द यूएस एडवांस जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एंड इन्हांस द एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटिक सिस्टम एंड द वेपन्स लाइक अ मिसाइल्स एंड अ ड्रोन आर्म ड्रोन, ठीक है. 2020 में साइन हुआ, ठीक है. ये हमने फर्स्ट वाला एग्रीमेंट जो है फाउंडेशनल एग्रीमेंट फॉर द जियो स्पेशल इंटेलिजेंस जो है वो देख लिया. मूविंग टू वर्ड द नेक्स्ट एग्रीमेंट दैट इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अ एग्रीमेंट, ठीक है. इसमें अगर देखा जाए, ठीक है, ये वाला सेकेंड एग्रीमेंट, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो ये जो है, ठीक है, इट विल गिव एक्सेस टू बोथ द कंट्री, कहा किसके लिए एक्सेस देंगे, टू डेजिग्नेट अ मिलिट्री फैसिलिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ अ रिफ्यूलिंग एंड अ रिफ्लिशमेंट, ठीक है. ये जो एग्रीमेंट है विच प्राइमरली कवर फोर एरियाज, ठीक है, कौन से फोर एरिया. सबसे पहला एरिया है कि पोर्ट कॉलिंग, जॉइंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड द डिजास्टर्स रिलीफ, ठीक है. इस तरीके से चार एरिया का जो है प्राइमरी फोकस किया जाएगा, ठीक है. अलॉन्ग विद दिस देयर विल बी नो बेसिंग ऑन अ यूएस ट्रूप और एसेट ऑन अ इंडियन सॉइल, ठीक है. किसी भी टाइप के जो ट्रूप्स का है, ठीक है, ऐसा कुछ टाइप बेस नहीं होगा यूएस का, ठीक है, इंडिया में. ये भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है. इंडिया कैन एक्सेस द स्ट्रिंग ऑफ यूएस फैसिलिटी अक्रॉस द ग्लोब फॉर द लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड द यूएस, ठीक है. एंड दिस विल बी ऑपरेट अ बिग वे फॉर द एशिया स्पेसिफिक बेनिफिट फ्रॉम द इंडियन फैसिलिटी. 2016 में जो है साइन हुआ, ठीक है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अ एग्रीमेंट, ठीक है. मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट फाउंडेशनल एग्रीमेंट दैट इज अ कॉमसासा कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड अ सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है. इसका ये है, ठीक है, कि इट इज़ एन इंडिया स्पेसिफिक वर्जन फॉर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अ एग्रीमेंट, ठीक है. इसी का ही जो है स्पेसिफिक वर्जन है, ठीक है. इनिशियली था कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट, ठीक है. उसको ही अभी जो है थोड़ा एक स्पेसिफिक वर्जन जो है थोड़ा मॉडिफाई करके कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो गया, ठीक है. इससे क्या होगा, ये अलाउ करेगा दोनों कंट्रीज को कि वो कॉपरेट करें ऑन द सेम कम्युनिकेशन फील्ड, इनेबलिंग एंड इंटर ऑपरेबिलिटी इन्वॉल्वमेंट फॉर द
मिलिट्री. ठीक है, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द US टू बी द पार्ट ऑफ अ सेंसिटिव कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड अ कोड एंड अलॉन्ग विद दिस इट विल ऑल्सो एनेबल द ट्रांसफर ऑफ अ रियल टाइम ऑपरेशन इंफॉर्मेशन. इट ऑल्सो इंडिया इट अलाउ इंडिया टू प्रोक्यूर ट्रांसफर स्पेसिफिक इक्विपमेंट फॉर इन इरप्टेड कम्युनिकेशन फॉर द US ओरिजिन प्लेटफॉर्म. ठीक है, इस तरीके से जो है 2018 में इसको साइन किया गया था एंड इट विल बी वैलिड फॉर द 10 ईयर. ठीक है, कॉम सासा. ठीक है, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट फाउंडेशनल एग्रीमेंट दैट इज जनरल सिक्योरिटी ऑफ अ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट. ठीक है, ये फैसिलेट करेगा अपॉर्चुनिटी फॉर अ ग्रेटर इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड अ US. ठीक है, रिसेंटली अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स जो है, ठीक है, टू जनरल सिक्योरिटी ऑफ अ मिलिट्री एग्रीमेंट, ठीक है, वॉज कंक्लूड बिटवीन दस बोथ कंट्री एंड दस जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स जो है, ठीक है, इट विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ क्लासिफाइड मिलिट्रियल इंफॉर्मेशन बिटवीन US एंड इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री. ठीक है, साइन हुआ था 2002 में. इस तरीके से जो चार फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं, ठीक है, चार फाउंडेशनल एग्रीमेंट हमने देख लिए. ठीक है, सबसे पहला था कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर अ जियो स्पेशल इंटेलिजेंस. सेकेंड वन कौन सा था? सेकेंड वन था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट. थर्ड वन था कम्युनिकेशन एंड कंपेटिबिलिटी एंड द सिक्योरिटी इशू एंड द लास्ट वन वॉज द जनरल सिक्योरिटी ऑफ अ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट. ठीक है, इस तरीके से चार एग्रीमेंट हमने देख लिया. ठीक है, अभी इन एग्रीमेंट तो देख लिए. ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रंट में अगर देखा जाए, सबसे पहला है कि अफर्मेशन ऑफ अ म्यूचुअल ट्रस्ट. ठीक है, साइनिंग दिस फाउंडेशन एग्रीमेंट, ठीक है, दिस विल हेल्प टू इनहांस अ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द टू मिलिट्रीज. ठीक है, एंड सेकेंड वन क्या है, फैसिलिटेट अ बेटर डिफेंस टाई. ठीक है, साइनिंग दिस एग्रीमेंट इज मैंडेटरी, ठीक है, अंडर द अमेरिकन लॉ फॉर द US टू एंटर द मिलिट्री अलायंस related to the export of a sensitive equipment. Next one, India strengthening India's conventional offensive and a defense capacity. ठीक है, तो US जैसे एक बड़े जो है power के साथ जो है different agreement जो sign हुए, it will definitely help India to enhance the defensive capacity. And next one is to counter China. ठीक है, this agreement जो है, ठीक है, it will empower the India to check the China's expansionist and which is threatened to the number of a countries in the neighborhood and beyond this, this will also which has been challenging the server established norm and the aspect of the international relation. ठीक है, एक जो close defense and military cooperation between India and US जो है as well as other like-minded nation in the future जो है it will help to counter the China aggression in the particular region. ठीक है, नेक्स्ट और एक ये होगा देखा जाए सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस देखा जाए तो स्ट्रैटेजिक कन्वर्जन इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है, इनकी जो क्लोज पार्टनरशिप है बिटवीन US एंड इंडिया, इट्स अ सेंट्रल जो है सेंट्रल टू एक सेंटर एक्ट करेगा. ठीक है, टू फ्री ओपन इंक्लूसिव पीसफुल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि US और इंडिया के बीच में पहले से ही जो है क्वाड ग्रुपिंग वाला भी जो है, ठीक है, जो हमने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था. ठीक है, तो उनका जो है उस फ्रंट में भी जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा. ठीक है, इनहांसिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है, इस फ्रंट में भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. ठीक है, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज क्या इशूज है, ठीक है, विद दिस एग्रीमेंट. ठीक है, वॉट आर द इशूज विद दिस एग्रीमेंट. ठीक है, तो सबसे पहला जो इशू है, ठीक है, उस इशू को डिस्कस करने के पहले हम जो ये यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी जो ये थर्ड मीटिंग हुई थी, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं पहले. ठीक है, थर्ड इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ठीक है, इंडिया US के बीच में ये जो हुई है 2+2 मीटिंग, इसके बारे में देख लेते हैं. ठीक है, कुछ जो हाईलाइट्स हैं, ठीक है, द 2+2 डायलॉग इज यूज टू टर्म दैट इंस्टॉलेशन ऑफ अ डायलॉग मैकेनिज्म बिटवीन टू कंट्रीज डिफेंस एंड द एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज. ठीक है, डिफेंस और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के बीच में होता है, डिस्कशन किया जाता है डिफरेंट स्ट्रैटेजिक एंड द सिक्योरिटी इंटरेस्ट के पॉइंट पे. ठीक है, एस्टैब्लिश जो है 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म विद द अदर क्वाड कंट्रीज दैट इज जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, कुछ हाईलाइट्स थे इस मीटिंग के. सबसे पहला था कि एडवांसिंग द डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप. ठीक है, उन्होंने बेका जो है वो साइन किया, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट. ठीक है, 2020 में साइन हुआ. उसके पहले वाले जो एग्रीमेंट जो हमने चार फाउंडेशनल एग्रीमेंट हुए, ठीक है, वो बहुत पहले ही सॉल्व हुए थे, मतलब इस्टेब्लिश हुए थे. ठीक है, डिफरेंट ईयर में थे. ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया. ठीक है, यहाँ पे जो था ऊपर वाले पॉइंट पे, ठीक है, डिफरेंट ईयर में साइन हुआ. ठीक है, ये वाला जो एग्रीमेंट है 2002 में, ठीक है, उसके साथ ये वाला जो एग्रीमेंट है 2018 में, ठीक है, इसके जैसे डिफरेंट ईयर में साइन हुई, तो इस साल 2020 वाला जो एग्रीमेंट है बेका, ठीक है, हमने देख लिया. ठीक है, अभी यहाँ पे की हाईलाइट्स और ऐसा था कि स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल US एंड इंडिया कोऑपरेशन. ठीक है, सम की एग्रीमेंट
साइन फॉर द टेक्निकल कॉपरेशन ऑन द अर्थ साइंसेज एक्सटेंडिंग द एग्रीमेंट ऑफ अ न्यूक्लियर कॉपरेशन अरेंजमेंट ऑफ अ पोस्टल सर्विसेज एंड द कॉपरेशन इन द आयुर्वेदा एंड कैंसर रिसर्च. ठीक है, उसके साथ साथ कॉपरेशन ठीक है डिफरेंट कंट्रीज का इंक्रीज करें ठीक है ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक. ठीक है, दिस आर सम की हाईलाइट्स ऑफ दिस थर्ड मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड US इन द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग. ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री, डिफेंस एंड द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री. ठीक है, एंड व्हाट वेयर द इश्यूज विद दिस एग्रीमेंट. ठीक है, अभी तो हमने इंपॉर्टेंस देख लिया, अभी इश्यूज देखते हैं. सबसे पहला है कि रशिया का फैक्टर. ठीक है, US जो है ऑलवेज वॉन्ट द इंडिया टू मूव अवे फ्रॉम द रशिया इक्विपमेंट. ठीक है, जैसे हम जानते हैं रशिया से हम काफ़ी ज़्यादा जो है डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं. सो US जो है US ऑलवेज वॉन्ट दैट इंडिया शुड बी मूव अवे फ्रॉम द रशिया इक्विपमेंट एंड द प्लेटफॉर्म. ठीक है, एज इट फील दैट इट मे एक्सपोज इट टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन टू द मॉस्को. ठीक है, ये रशिया का फैक्टर हो गया. सेकंड क्या हुआ कि US जो है टू बूस्ट US आर्म सेल टू इंडिया. ठीक है, US ऑलवेज वॉन्ट दैट दे शुड बिल्ड अ US आर्म, US का जो है आम का जो सेल्स है ठीक है वो इंडिया में इंक्रीज हो. ठीक है, एंड थर्ड वन क्या है, इंडियाज पॉलिसी फॉर अ स्ट्रैटेजिक एटोनॉमी क्रिटिकल एक्सपीरियंस दैट एग्रीमेंट इम्पल्स द इंडिया लॉन्ग टर्म हेल्ड फॉरेन पॉलिसी फॉर स्ट्रैटेजिक एटोनॉमी बाय पेविंग द वे टू द US बेस ऑफ द फोर्ट ऑन इन द इंडियन टेरिटरी और अनड्यूली बाइंडिंग द इंडिया टू US सिस्टम ऑफ अ प्रोसीजर. ठीक है, ये एक इशू हो गया. नेक्स्ट वन क्या है, शेयरिंग ऑफ अ क्रिटिकल डाटा. ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉम्सासा हो गया. ठीक है, जहाँ पे कुछ डाटा शेयरिंग इन्वॉल्व होगा. ठीक है, एंड दस दिस विल दिस कैन हेल्प टू रिवील द इंडिया का जो मिलिट्री असिस्ट है ठीक है टू द पाकिस्तान और द थर्ड कंट्री. ठीक है, एंड दिस वन इज अ शेयरिंग ऑफ अ क्रिटिकल डाटा इज अ मेजर इशू. नेक्स्ट वन क्या है, एक पॉइंट है दैट इज़ मोर फेवरेबल टू द US. ठीक है, द एग्रीमेंट जो है ठीक है लिमो हो गया. ठीक है, वो सारे जो एग्रीमेंट है प्राइमरी बेनिफिट करता है US को. ठीक है, सिंस इंडिया पे जो शिप्स हैं दे आर लेस रिफ्यूल और रिसप्लाई टू द एट द US पोर्ट. ठीक है, तो इन सारे जो है पॉइंट्स में हमने कुछ इश्यूज देख लिए इन सारे एग्रीमेंट्स के. ठीक है, एक कंक्लूजन अगर देखा जाए, सिंस द सिविल जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है इन 2005 का. ठीक है, इंडिया US डिफेंस कॉपरेशन हैज़ बीन, उसके बाद से जो है इंडिया की और US की जो कॉपरेशन है बहुत ज़्यादा एडवांस हो ही रहे हैं. ठीक है, एंड US हैज़ बीन रिलैक्स्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द टेक्नोलॉजी ट्रेड इन द इंडिया हैज़ फेवरली कंसरेबल एंड इंडिया की जो है. ठीक है, इंडिया इज डेजिग्नेटेड एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर. ठीक है, इंडिया को एक डेजिग्नेशन मिला है एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर विद द US एंड कंक्लूजन ऑन दिस फंडामेंट जो फाउंडेशन एग्रीमेंट्स है दिस विल फर्दर डिपेंड द डिफेंस कॉपरेशन एंड इट डेफिनेटली प्लेस इंडिया इन अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस पोजिशन एंड दस इंडिया की जो पॉलिसी मेकर है मस्ट इंश्योर दैट दिस एग्रीमेंट जो है किसी भी टाइप की जो इंडिया की स्ट्रैटेजिक एटोनॉमी है उसको हम ना करें. ठीक है, उसको इफेक्ट ना करें. इस तरीके से एक पॉजिटिव कंक्लूजन हमने देख लिया. ठीक है, मूविंग टू वर्ड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देखते हैं. ठीक है, रिसेंटली जो एक डिकेड ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अर्मेनिया और अजरबैजान का. ठीक है, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा अराइज होता है, नागोरो काराबक्श रीजन में. ठीक है, हैज़ बीन रीसर्फेस्ड. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फिगर में. ठीक है, आई विल जूम दिस फिगर. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अजरबैजान हो गया, ये अर्मेनिया का रीजन हो गया और ये हो गया नागोरो काराबक्श का रीजन. ठीक है, अभी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बैकग्राउंड वगैरह क्या है वो हम देख लेते हैं. ठीक है, अबाउट दिस कॉन्फ्लिक्ट देखा जाए तो नागोरो काराबक्श जो रीजन है ठीक है इंटरनेशनली उसको रिकग्नाइज किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान. ठीक है, अजरबैजान का पार्ट है, इसको इंटरनेशनली उसको रिकग्नाइज किया जाता है. बट वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो कंट्रोल है वो अर्मेनियन का है. ठीक है, अर्मेनियन सेपरेटिस्ट जो है वहाँ पे उनका ज़्यादा कंट्रोल है. ठीक है, इट हैज़ बीन द पार्ट ऑफ अजरबैजान टेरिटरी सिंस अ सोवियत एरिया. ठीक है, सोवियत एरिया के टाइम से ही जो है अजरबैजान के पार्ट ठीक है टेरिटरी का पार्ट रहा है. बट मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वहाँ पे अर्मेनियन क्रिश्चियन है. ठीक है, वेयर एज जो अजरबैजान के जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वो वहाँ पे थोड़ा ठीक है कम है. ठीक है, मतलब जो है ठीक है अर्मेनिया का जो ज़्यादा पॉपुलेशन है पर अगर हम जैसे जानते हैं अजरबैजान में मुस्लिम ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे कम है. ठीक है, नागोरा काराबक्श जो है इट इज़ अ ब्रेक वे रीजन इन अ साउथ
कॉकेशियस, ठीक है, उसको हम ट्रांस कॉकेशियस बोलते हैं, ठीक है. स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एक माउंटेनस रीजन है इन द साउथ ईस्ट यूरोपियन, ठीक है. हिस्टोरी एंड द इथनिक आर द टू फैक्टर जो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आर्मेनिया एंड द अजरबैजान ओवर दिस नागारो काराबक्श रीजन, ठीक है. अजरबैजान जो है वो क्लेम करता है कि जो नागारो काराबक्श रीजन है इट हैज़ बीन अंडर देयर रूल सिंस एज इट इज़ नोन इन द हिस्ट्री, बट अर्मेनिया ऐसा क्लेम करता है नो अकॉर्डिंग टू देम दे होल्ड एन ओपिनियन दैट काराबक्श जो है वॉज अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट अर्मेनियन किंगडम एज फार एज द बैक ऑफ अ फोर्थ सेंचुरी, ठीक है. ऐसा उनका मानना है, ठीक है. वो बोल रहे कि हमारा है और जो अजरबैजान है वो बोल रहे कि उनका पार्ट है, ठीक है. एंड दस जो है द इशू इज़ फर्दर बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड द फैक्ट that the region changed hand across the multiple dynasty, ठीक है. तो obviously the fact become complicated और जो region है, ठीक है, उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है goes in the different people's hand in the multiple dynasty and thus we can say that it came to be occupied by the various ethnic community and it in the course of a time according to the following century, ठीक है. 1980s का अगर time देखा जाए तो अर्मेनिया parliament उन्होंने जो है they have voted for transfer of a Nagorno Karabakh to the Armenia. However, the demand was rejected by collapsing of a Soviet. And however, the further following year clashes बहुत ज़्यादा जो है increased हो गए between Azerbaijan forces and Armenian separatists, जो separatists हैं उनके बीच में, ठीक है. इंडिया का stand क्या है इस issue में, अगर देखा जाए इंडिया का स्टैंड, तो इंडिया जो है एक बैलेंस और एक न्यूट्रल स्टैंड जो है लेता है एंड ही इंडिया हैज कॉल फॉर अ रिस्टेंट एंड एन इमीडिएट जो है सेशंस ऑफ अ हॉस्टिलिटीज, ठीक है. 1955 में इंडिया ने एक साइन किया था ट्रीटी, फ्रेंडशिप एंड अ कोऑपरेशन ट्रीटी विद आर्मेनिया, ठीक है. एंड कब साइन किया था, 1955 में. अलॉन्ग विद दिस ऑन कश्मीर इशू आर्मेनिया जो है एक्सटेंड इट यूनी इक्वोकल अनइक्वोकल सपोर्ट टू द इंडिया वेयर एज अजरबैजान जो है सपोर्ट द पाकिस्तान नरेटिव, ठीक है. 2008 में क्या हुआ था, इंडिया ने ज्वाइन किया था रशिया, द US एंड फ्रांस वोटेड अगेंस्ट द अजरबैजान रिजोल्यूशन, ठीक है, इन अ UNGA, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उन्होंने वोट किया था अगेंस्ट द अजरबैजान रिजोल्यूशन, ठीक है, विच दे वर यूज टू डिमांड अनकंडीशनल विड्रॉल ऑफ ऑल आर्मेनियन फोर्सेज फ्रॉम ऑल द ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑफ अजरबैजान, ठीक है. तो इंडिया ने उनको जो है उनके अगेंस्ट में रिजोल्यूशन लिया था, ठीक है. और अजरबैजान का सपोर्ट जैसे हमने देखा कि वो पाकिस्तान के हाथ पे थोड़ा सा है. एंड और अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, हाउएवर अजरबैजान जो है, ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है फॉर इंडिया, ठीक है. क्यों है, क्योंकि एज इट फॉल ऑन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है. इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कनेक्ट करता है इंडिया को, ठीक है, विथ रशिया थ्रू द सेंट्रल एशिया, ठीक है. तो इसलिए जो है अजरबैजान का जो एक रीज़न है वो बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक फ्रंट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है. ऑल्सो फॉर द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज द रीज़न इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट रूट फॉर द सप्लाई ऑफ ऑयल एंड द नेचुरल गैस फॉर द यूरोपियन नेशन, ठीक है. एंड रशिया जो है सप्लाई करती है आर्म्स टू बोथ द कंट्रीज एंड आर्मेनिया जो है इज एन अलाई अंडर द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. अलॉन्ग विद दिस जो मुस्लिम मेजोरिटी टर्की है बैक अजरबैजान ड्यू टू द रीजनल एफेमिटीज. पीस टॉक हैज़ टू बी हेल्ड इन 1994, ठीक है. इट वॉज मेडिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन ऑफ यूरोप मिसिक ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप है, ठीक है. इसके बारे में, इस ग्रुप के बारे में अभी बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है. इस तरीके से ये जो पॉइंट है इंडिया का स्टैंड कैसा है इशू पे हमने देख लिया, ठीक है. किस कंट्री का किस तरीके से सपोर्ट है, ठीक है, क्या क्या फ्रंट पे मेजर्स लिए हैं, ठीक है, वो भी हमने देख लिया, ठीक है. मूविंग टूवर्ड ये ग्रुप के बारे में अगर देखा जाए तो इट इज़ ओनली इंटरनेशनल एग्रीड बॉडी है, ठीक है, जो मेडिएट करती है द निगोशिएशन बिटवीन निगोशिएशन फॉर द पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट. एंड जो है इट इज़ चेयर्ड बाय द फ्रांस रशिया एंड यूएस थ्रू शेयर किया जाता है. एंड इनका फंक्शन अगर देखा जाए वो आता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के अंडर में, ठीक है. मरीड जो है प्रिंसिपल वॉज प्रपोज बाय द मिशिक ग्रुप 2007 में उन्होंने प्रपोज किया था. उनका अगर देखा जाए इस प्रिंसिपल में क्या आता है, दिस आर द सीरीज फॉर प्रैग्मेटिक्स
सजेशन फॉर सेटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नारोगोश नागोरा काराबक्ष रीजन, ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर द आर्मेनिया का विड्रॉल हो इन इट्स मिलिट्री एंड अ नारा फ्रॉम अ नारागो नागारो काराबक्ष, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ अजरबैजान ग्रांटिंग अ डी फैक्टो ऑटोनॉमी टू द दिस रीजन, ठीक है, इस तरीके से ये दो प्रिंसिपल हैं उनके, ठीक है। उसके साथ साथ और एक यहाँ पे एक है डिस्कशन के लिए, दैट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे जो हमने बोला था, ठीक है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो है एक रशिया लीड मिलिट्री अलायंस है, ठीक है, जो इंश्योर करते हैं कलेक्टिवली डिफेंस फॉर ऑल मेंबर दैट फेस द एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। कलेक्टिवली डिफेंस मतलब क्या होता है, मीन्स द अटैक जो है अगेंस्ट वन अलाई इज कंसिडरेबल एज अ अटैक अगेंस्ट ऑल अलाइज, ठीक है। इट ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ अ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी जो साइन हुई थी तास्केंट में, ठीक है, उज्बेकिस्तान में 1992 को। मेंबर अगर देखा जाए आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, तुर्किश रिपब्लिक, रशिया एंड ताजिकिस्तान, ठीक है, ये सारे मेंबर्स है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो सेशन था, ठीक है, वेयर वी कवर द एंटायर इंटरनेशनल रिलेशन पोर्शन, ठीक है, जितने न्यूज़ थे सिक्स न्यूज़ थे, ठीक है, वी हैव कम्प्लीटली डिस्कस अबाउट हिस्ट एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ अ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन जो हमारा पहले ही डिस्कस हो गया, और बाकी जो पार्ट्स है, ठीक है, इकोनॉमी हो गया या साइंस एंड टेक, ठीक है, सोशल इशूज, ठीक है, जितने टॉपिक्स है आई विल कवर इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हैव अ नाइस डे, प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर द न्यू अपडेट। थैंक यू।